भारत के हाथ एक बेशकीमती खजाना हाथ लगा है। लिथियम यानी सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। भारत में पहली बार लिथियम का विशाल भंडार मिलने से पूरी दुनिया की निगाहें अब देश की ओर हैं। क्या है लिथियम और कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लिथियम को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख तत्व है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके एक ग्राम की कीमत 250 रुपए से 1200 रुपए प्रति ग्राम तक होती है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इसका विशाल भंडार मिलने से भारत विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला तीसरा देश बन गया है। अमेरिका व चीन इस मामले में पीछे रह गए हैं और इससे इन देशों की चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का पूरा फोकस पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर था और अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में लगने वाली लिथियम बैटरियों के लिए भारत को चीन और अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत वाहनों की लिथियम बैटरी से लेकर मोबाइल फोन, लैपटॉप की लिथियम बैटरी बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। इतना ही नहीं, भारत अब चीन और ऑस्ट्रेलिया की तरह दूसरे देशों को भी लिथियम एक्सपोर्ट कर सकेगा। यही वजह है कि अब चीन व अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। लिथियम का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों में बार बार चार्ज की जाने वाली बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक भारत 96% लिथियम दूसरे देशों से इम्पोर्ट कर रहा था, जिसमें से 80% इम्पोर्ट चीन से किया जा रहा था। भारत में मिले 5.9 मिलियन टन सफेद सोने यानी लिथियम के भंडार से चीन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में मिले लिथियम की अनुमानित कीमत 3500 अरब रुपए हो सकती है। दोस्तों, लिथियम का भंडार मिलने के बाद आत्मनिर्भर भारत बनने में मददगार बनेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।